10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, यू टीच मी का ये सेकेंड पार्ट है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे, कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं, चौहान, तोमर, चंदेल या गुज्जर प्रतिहार। तो हमारा आंसर रहेगा चंदेल। और ये कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो खुजराहो के मंदिरों में सबसे विशाल जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। मूलतः ये शिव मंदिर है। इसका निर्माण काल कब शुरू हुआ? 1025 से लेकर 1050 तक ये इसका निर्माण हुआ। राजा विद्याधर चंदेल ने गजनवी से विजय के बाद इसका निर्माण करवाया था। अगर ये पूछा जाए कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो चंदेल वंश के संस्थापक की अगर बात आए तो नुनुक यहाँ के चंदेल वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये इस वीडियो का पार्ट भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है तो मैंने इस वीडियो में ये डाल दिया है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर है, ये कौन सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पर? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, 70, 55, 66, 34। बहुत ही ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है, तो इतनी देर में आपसे निकल भी गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 × 2 − 2 मतलब 6, फिर 6 × 2 − 2 10, फिर 10 × 2 − 2 18, 18 × 2 मतलब 36 माइनस 2 34। अब ऐसे ही 34 × 2 68 माइनस 2 66, तो हमारा आंसर रहेगा 66। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, सदाबहार वन, मानसून वन, मैग्राव वन, शंकु वृक्षी वन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा मैग्राव वन। तो ये जंगल के खारे पानी में उगते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, भारत के अंदर 6740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है। अगर बात की जाए कि भारत में कौन से पेड़ है जो कि ज्वारीय वन का उदाहरण है, तो वो है हिंटल और सुंदरी वन। इस क्वेश्चन में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आधारित ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU। तो ALU सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ALU CPU का एक भाग होता है जो कि कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन वर्ड के अनुसार अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन से संबंधित कार्य को निष्पादित करता है। यह सभी गणितीय संगणनाओं जैसे जमा, गुणा और तुलनात्मक कार्यों का निष्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, दोबारा आपका इस वीडियो का ये हिस्सा रहेगी कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है, और एट प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का अगर नाम पूछा जाए तो एंथोनी अल्बनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर इसके ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिए हुए हैं, आप देखना कि 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1946, 6 अगस्त 1942। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 6 अगस्त 1945, ये गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर यूरेनियम गन टाइप परमाणु बम, जिसको लिटिल बॉय कहा जाता है, उसको गिराया गया। और इसके बाद 9 अगस्त 1945 को
जापान की नागासाकी शहर पर प्लूटोनियम इम्प्लोशन टाइप बम, जिसको फैट मैन कहा जाता है, गिराया गया। इन दो बमों से हुए विनाश के परिणाम स्वरूप जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप सलाह भी दे सकते हो, सजेशन भी दे सकते हो कि और कैसे कैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल आईडी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।